मुझे कुछ चीज़ें दिखाई देती है अपने आँखों के सामने, वही शाही लिबास और एक कोई बच्चा है, और अचानक से मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द होता है, कोई एक लाइट सी आती है और मुझे कुछ समझ नहीं आता। इट्स सो पेनफुल एंड ही जस्ट लूजेस हिज कॉन्शियसनेस और वो गिर जाता है। और शिवन्या जो गले में है शिव जी के, तो वो आती है और वो अपने प्यार, मतलब वो मुझे कुछ कह रही है लेकिन मैं बेहोश हूँ तो मैं सुन नहीं रहा। जी मुझे पता ही नहीं है, जब मैं जगा रहता हूँ तो गोद में नहीं रहती। जी अब ऋतिक भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंक है, कुछ ना कुछ बात है जो उसे फाइंड आउट करनी है। तो फाइनली यू नो ही इज़ कमिंग इन टर्म्स, जो उसको सपने आते थे तो अब वो उस चीज़ के पीछे पड़ गया और वो फाइंड आउट करना चाहता है कि आखिर ये जो पूरी इतने टाइम से लोग देख रहे हैं, जो ड्रामा बिल्डअप हुआ है, तो नाउ स्लोली स्लोली यू नो ऋतिक को भी पता लगने लगा है। तो आई थिंक अभी इतने टाइम से था कि ऋतिक को कुछ पता नहीं है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा आगे वाला ट्रैक। और जैसे लोग देखते आ रहे हैं नागिन को, मैं चाहता हूँ कि और भी लोग देखें, बिकॉज आई थिंक वी आर एट द राइट क्रूशल स्टेज राइट नाउ। आई डोंट नो हाउ दे वांट टू राइट दिस होल थिंग, कि क्या मुझे पता भी चलेगा कि वो नागिन है। आई गेस एक पॉइंट पे पता तो चल ही जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा ऋतिक का टेक टूवर्ड्स द होल थिंग, वो आपको शायद राइटर्स ही बता पाएंगे, मुझे सीरियसली नहीं पता इस वक्त कुछ नहीं। हम लोग वो पोर्ट्रेट के बारे में फाइंड आउट करने आए कि यू नो आखिर ये है क्या, कब बना था, मैंने तो कभी पहना नहीं है, तो ये यू नो कौन है, एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो वी आर हियर इन द देवड़ी टू फाइंड अबाउट इट, और साथ साथ कोई और भी है शायद, और पता नहीं है हमें कौन है। एंड सो यस द हिट एंड मिस एंड द ड्रामा।